All content in this video is purely for informational and educational purpose only. Trading in stock market is a risky business. Consult your financial advisor before investing and trading. Hello traders, welcome to VPF Financial YouTube channel. Today's video is stock ideas. So without wasting time, let's begin. Aaj ka hamara pehla stock hai Mindtree. Mindtree traders, let's check. Ye hamara low hai, this is our low, this is our high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay, clear uptrend. Yahan par ek trend clear region ho gaya apna, reason mil gaya humko trade lene ka. Dusra reason, stock ne एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर जो कि है बुलिश फ्लैग पैटर्न. ओके, ये ट्रायंगल एंड ये स्टॉक का आपका फ्लैग का पोल. ओके, दिस इज अवर ब्रेकआउट कैंडल. ये रेड कैंडल अवॉइड करना है, जस्ट अ ग्लिच, इसको काउंट नहीं करना हमको. आपका ब्रेकआउट कैंडल जो कि कंफर्म कर रहा है हमारा वॉल्यूम के साथ. राइट, तीन मेजर रीजंस हो गए हमारे यहाँ पर. सो हम स्टॉक में एंट्री कहाँ लेंगे? ऑब्वियसली ये कैंडल के हाई के ऊपर जो कि आ रहा है 892. ओके, स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो जो कि फ्लैग का भी लो है विच इज 882. टारगेट नियर बाय रेजिस्टेंस देख लेते हैं. रेजिस्टेंस को क्लियर कर लिया. रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना ये है. ओके, विच इज कमिंग अराउंड 911 का हाई है. लेट्स कंसीडर 910. ओके, सो टारगेट वन विल बी अ नियर बाय रेजिस्टेंस 910. उससे पहले थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाता है 18 पॉइंट्स का, उससे पहले हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे. बट अल्टीमेटली वी हैव टू रीच ओवर देयर 910. ओके, उसके बाद का टारगेट काफ़ी ऊपर है जो कि अगर इंट्राडे में पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत कम है, बट देन टू अगर कोई चाहे तो उसको ट्रेल, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ऊपर तक जो जर्नी है पूरी स्टॉक की वो ले सकता है विद इन अ डे. ओके, 30 मिनट्स का चार्ट है, सो वी कैन कंसीडर दैट एज अ इंट्राडे ट्रेड. 892 के ऊपर हमको एंट्री के लिए देखना है. 882 विल बी द एसएल एंड द टारगेट वी विच नीड टू टारगेट फॉर 910. आज का हमारा सेकेंड स्टॉक है मदर सन सुमी. मदर सन सुमी से जाने से पहले एक बार हम सन फार्मा देख लेते जो हमारी कल की ट्रेड थी, कल के ऑब्जर्वेशन में थी, उसी को लिंक करेंगे हम मदर सन सुमी से. कल हमने ये ड्रॉ किया हुआ था ये ट्रेंड लाइन हमारी जो कि ब्रेक डाउन थी. ये लेवल के नीचे हमको शॉर्टिंग करना था. आज गैप डाउन खुलने के बाद भी स्टॉक 420 से लेके 370 विद इन अ 50 पॉइंट्स. आपको इंट्राडे में एक इंट्राडे ट्रेडर 50 पॉइंट्स तो कैच नहीं कर सकता, बट देन टू काफ़ी अच्छे लेवल का वन साइडेड मूव आया हुआ था सन फार्मा में. जस्ट ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमने ये स्टॉक पे किया क्या था. जस्ट वी फॉलोड अवर सिंपल मैजिकल ट्रेंड लाइन, उसी को फॉलो किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं. ओके, ये ऑलमोस्ट आज हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है इसमें. सो सिमिलरली सेम पैटर्न हमको मदर सन सुमी में भी दिख रहा है. हर ट्रेड का, हर स्टॉक का पोटेंशियल अलग अलग होता है. डिपेंड ऑन सेलर्स का प्रेशर, डिपेंड ऑन बायर्स का प्रेशर कैसा है, सेक्टर कैसा है और स्टॉक की मूवमेंट कैसी होती है, वाइल्ड होती है या स्टॉक का प्राइस क्या है. लाइक सन फार्मा आपका 350 के रेंज में है, 350-400 के रेंज में, और ये मदर सन सुमी 150 के रेंज में. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम कि मेरे को 50 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स मिलेगा. जस्ट फॉलो द लेवल्स, जस्ट फॉलो यूर मैजिकल ट्रेंड लाइन. आपको और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए एक मार्केट में सफलता पाने के लिए. ओके, तो ये जो गैप दिख रहा है आपको ये investing.com पे गैप हो जाता है. एक्चुअल में यहाँ पर बोनस इशू हुआ था,
सो दैट्स वाई दिस इज अ गैप, और कुछ नहीं है इसमें. बट बिफोर द गैप दिस इज अवर हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो. ओके, सेम क्लियर डाउन ट्रेंड. नेक्स्ट जो हमको पॉइंट इसमें पकड़नी है वो है हमारा सपोर्ट, जो कि माइक्रो ट्रेंड का है. सो मैंने सपोर्ट को जोड़ने के बाद, अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट को जोड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्लियरली ब्रेकडाउन कैंडल दिख रहा है. ओके, रीजन नंबर वन, स्टॉक ने अपना माइक्रो ट्रेंड तोड़ा है. रीजन नंबर टू, अगर हम टॉप से देखते हैं, दिस इज अवर हाई, दिस इज अवर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड दिस इज अवर लोअर लो. ओके, सो ये भी कंफर्म कर रहा है कि डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है. सो वी विल कंसीडर अवर शॉर्ट बिलो दिस लेवल विच इज 155 के बिलो. स्टॉप लॉस विल बी दिस, द स्विंग हाई है जो कि आ रहा है 165. टारगेट, द फर्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है हमारा ये लेवल पे, विच इज कमिंग अराउंड 147. 147. नेक्स्ट इज 141. रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, बट देन डू ट्रेड बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड सेटअप है. सो डेफिनेटली जो कंपेयर, मान के चलिए कि हम 100 स्टॉक में शॉर्ट करके हम ट्रेड करते हैं, सो इसमें रिस्क फेवर में नहीं है. तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, हम क्वांटिटी कम कर देंगे, रिस्क लेना कम कर देंगे, बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं छोड़ेंगे. अगर वो ट्रेड हम लोगों के टेरिटरी के हिसाब से आ रहा है, हम लोगों की कंडीशंस के हिसाब से जनरेट हो रही है तो. ओके, आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस कैपिटल. अगेन सेम पैटर्न, आपको प्राइस एक्शंस के पैटर्न्स आपको हर स्टॉक हर चार्ट पे कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली रोज का रोज आपको दिखेंगे, क्योंकि ये मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शंस के ऊपर से चल रहा है. इंडिकेटर एक काइंड ऑफ पर्क है जो हमको मिला हुआ है. अगर प्राइस एक्शन के साथ हम कोई इंडिकेटर अच्छा यूज़ कर लेते हैं, जो कि इंडिकेटर बेस पे ट्रेड नहीं, हम प्राइस एक्शन के हिसाब से लेंगे सिर्फ स्टॉप लॉस वगैरह ये सब चीज़ों के लिए, या ट्रेंड एक बार कन्फर्म करने के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो दैट्स ओके. तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम. सो दिस इज अवर हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो. ओके, डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया अपना यहाँ. एंड सेम थिंग, अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, ये सपोर्ट था हमारा, ये सपोर्ट था हमारा, ये सपोर्ट था, एंड फाइनली दिस इज अ ब्रेकडाउन अलॉन्ग विथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन. सो ये स्टॉक को हम इसके नीचे देखेंगे जो आ रहा है 209 के नीचे. यहाँ पर हम स्टॉप लॉस जो है ये कैंडल के ऊपर लेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल जो ये अगर स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो 4-5-6 रुपीस का इसका डेली का इसका टर्न अराउंड है, लाइक 5-6 रुपये ऊपर नीचे जाते रहता है. और यहाँ पर आज अगर आप देखेंगे तो अराउंड 10 रुपीस के यहाँ पर मूवमेंट आया हुआ है. तो यहाँ पर अगर समझो किसी बड़े ट्रेडर को सेल ऑफ करना है तो यहाँ पर कुछ उसने अच्छी एक्टिविटी की हुई है, तो विदाउट टेकिंग दैट मच रिस्क हम अपना स्टॉप लॉस जो है ये लेवल पे रखेंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर, लाइक 219 है तो हम 222 पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपना. अगर रिवर्स आता भी है यहाँ से हमारे 209 टूटने के बाद, तो उसके ऑर्डर्स पूरे फिल हो जाएंगे, अपना स्टॉप लॉस बच जाएगा. ओके, अगर हम यहाँ रखते हैं तो 226 का स्टॉप लॉस हो जाता है, जो थोड़ा सा रेंज बड़ा हो जाता है हमारे लिए. तो इसलिए हम इसको 222 रखेंगे, जो कि अगर रिवर्स होता भी है उसके और ऑर्डर्स जो है फिल होने पे होते हैं तो हम लोगों का स्टॉप लॉस तो भी सेफ रहेगा. टारगेट ये ऑलमोस्ट यही लेवल है जहां हम शॉर्ट कर रहे हैं. सो आवर टारगेट विल बी दिस जोन विच इज कमिंग अराउंड 198. सॉरी 195.
ओके, इसका जो नियर बाय टारगेट है 195, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी मोर डाउनसाइड विच वी डोंट नीड टू कंसीडर, फॉल्स होप हमको नहीं रखने हैं, अगर 195 के नीचे चला जाता है देन वी विल फेल अवर स्टॉप लॉसेस एंड विल अवॉइड टू यू नो अवॉइड टू प्रिडिक्ट द मार्केट फॉर अवर स्टॉप लॉसेस. आज का हमारा लास्ट स्टॉक है VEDL. See, low, high, higher low, higher high, again higher low. Trend is confirmed, uptrend, one trend line. Support 1, support 2, and this is our support 3. Okay, clearly buyers are interested at this level for buying. Buy karenge hum ye zone ke upar, jo ki hai 199 ke upar buy karenge hum, and stop loss will be below this candle. क्योंकि अगर ये ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली स्टॉक ने ट्रेंड चेंज कर दिया है. अगेन 196 वाज आवर स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 203. फर्स्ट टारगेट विल बी ऑवर 203 एंड उसके ऊपर जैसे जाता है सेकंड टारगेट, एज यू नो वी हैव टू ट्रेल अवर स्टॉप लॉसेस. ऑलराइट ब्रदर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज अवर वीडियो फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं हमारे. So we'll see you in the next video.